नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ लाडवा में। कुरुक्षेत्र में लाडवा पड़ता है और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से खुद सीएम चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर क्या समस्या है, बरसात हो रही है और ऐसे में हम यहाँ फिर भी लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि उनकी क्या क्या समस्या का चीज़ है। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इलाके में क्या कुछ कमियाँ हैं, क्या कुछ समस्याएँ हैं और वो अब क्या चाहते हैं जो लाडवा में हो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉबिन गर्ग है। अगर हम बात करें लाडवा कॉन्स्टिट्यूंसी की तो क्या चीज़ें हैं, क्या समस्याएं सामने आती है लोगों को लाडवा में? बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर बाईपास की समस्या है। लोग बढ़ते जाम से परेशान हैं क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है शहर की और ये शहर जो है एक तरीके से चार मेन सिटी को बीच से कवर करता है। अगर हम देखें तो कुरुक्षेत्रा से, यमुनानगर करनाल इधर से और इधर अम्बाला सिटी से, तो इस कारण बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं। तो लोगों की ये डिमांड है कि यहाँ पे एक बाईपास बनाया जाए ताकि लोगों को उससे सुविधा फ़ायदा मिल सके। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। चुनाव आ गए, क्या लाडवा क्या चाहता है, यहाँ के नेता क्या काम कराएं लाडवा का? लाडवा चाहता है कि यहाँ पर सबसे पहले रेलवे स्टेशन बनना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस सिटी है। यहाँ पर ये एशिया की किसी टाइम सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था लेकिन अब भी सेकंड टाइम मंडी है। यहाँ के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वे चाहते हैं कि ट्रैफिक की समस्या का भी सॉल्व हो जाएगा जब रेलवे स्टेशन बन जाएगा। यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बहुत रहती है, हम उससे निजात पाना चाहते हैं। अच्छा भाई साहब, हम देख रहे थे कि रोडों का बुरा हाल है, क्या रोडों के बारे? रोडों का बुरा हाल तो नहीं है भाई इस सरकार में, ये तो अब बारिश की वजह से टूटा है जी। हाँ जी, अब यहीं से थोड़ा सा आप किलोमीटर देखो चलकर कैसा रोड बनने जा रहा है जी, टाइम तो लगता है जी। वैसे बीजेपी सरकार है जी, सारे देश में आपने देखा भी होगा, सारे देश में का भ्रमण भी आप करते हैं जी, कितने छोटे छोटे रोड बन रहे हैं। MLA यहाँ के कांग्रेस के थे? हाँ, MLA कांग्रेस के थे, ऊपर से आया पैसा ऊपर से आ रहा जी। हाँ जी, जो यहाँ पर जो MP हमारे ये नैब सैनी जी थे, इन्होंने उनको ग्रांट दी, अपोजिट के MLA थे उन्होंने नहीं काम करवाया, पर जनता तो चाहती थी ना वो पैसा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, हम वो हमें सोचेंगे, हमारे लिए अच्छा लग रहा। अच्छा ये बताइए, इन्होंने कहा कि जाम की समस्या, उन्होंने कहा बाईपास बनना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का है, क्या चेंज होना चाहिए या किस तरीके लगता है आपको? और अभी तो एजुकेशन यहाँ पे जो भी समस्या थी, जो यहाँ के पूर्व विधायक थे उन्होंने, MLA थे हमारे, MLA की बात करें तो उन्होंने अब काफ़ी चीज़ों में रोड़ा भी डाला, लेकिन यह कि हमारे MP साहब जो कि हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सब कुछ संभाला हुआ। अच्छा, अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो कितनी महिला सुरक्षा यहाँ चीज़ें हैं, पुलिस व्यवस्था कैसी है? पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, केंद्र सरकार में सबसे पहले यही हुआ था कि महिला अगर सुरक्षित रहेगी तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इसीलिए जब तक हम तो देख रहे हैं, जब से 2014 से प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी है तब से महिलाएं तो पूरी सुरक्षित हो ही चुकी हैं, ये आप भी जानते हो। अभी हाल देख लीजिए बांग्लादेश में क्या बुरा हाल हुआ था महिला के साथ, वहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ, जबकि वहाँ की ममता बैनर्जी खुद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तीनों थी, तब भी वहाँ देख लो महिलाओं के साथ कैसे दुर्व्यवहार हुआ। यहाँ पे क्या हाल है महिला, एक महिला होने के नाते क्या लाडवा क्षेत्र को चाहिए जो कि आप मांगते हैं? लाडवा हल्के में देखिए, महिलाओं को जो सुरक्षा मिली है अभी 2014 के बाद ही हम देख रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा है। जैसे पहले बलात्कार या इतने केस होते थे वो पहले हमने देखे हैं, लेकिन उसके बाद आज तक भी मतलब यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं हुआ है। सर, अगर हम बात करें पार्टी वाइज ऊपर उठ के, लाडवा में क्योंकि बॉर्डर एरिया भी लगता है, ट्रक हम देख रहे हैं बहुत इंडस्ट्री है, क्या चीज़ है जो कि यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है जो कि सरकार को होनी चाहिए, क्या चीज़ें हो चुकी हैं? देखिए, हमारे जो है लाडवा में इस पिछली सरकार में 10 साल में जो है सब डिवीज़न बनाने का, जो यहाँ से बहुत पहले की जो इस प्रकार की समस्या थी, एक डिमांड थी और कोई सरकार भी वो नहीं बना पाई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब डिवीज़न बनाने का काम यहाँ लाडवा में किया और इसके साथ पीपली ब्लॉक जो है वो अलग से ब्लॉक यहाँ पर बनाया और इसके साथ जो है पॉलीक्लिनिक, यदि पशुओं की बात करें तो जहाँ पूरे हरियाणा में जो इस प्रकार से केवल 18 पॉलीक्लिनिक जो बने और हमारे आसपास यदि कोई पशु बीमार होता था तो उसको उचाना करनाल जिला में ले जाना पड़ता था, तो आधुनिक चिकित्सा पशुओं की हो उसके लिए यहाँ बोली गांव में जो है वो इस प्रकार का पॉलीक्लिनिक जो है वो इस सरकार में बना। MLA लेवल पर हुआ कि सरकार लेवल पर हुआ? MLA कांग्रेस के,
नहीं नहीं वो देखिए सरकार के लेवल पे हुआ, सरकार की योजनाएं हैं और जिस प्रकार के सरकार की योजनाएं हैं चिकित्सा सिस्टम को आगे बढ़ाने की, एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ाने की, तो कहीं भी चाहे किसी भी सरकार का कोई एमएलए हो, लेकिन हर 20 किलोमीटर के फासले पर लड़कियों का महिलाओं का कॉलेज हो, इस प्रकार का सोच जो है वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और उसने करने का काम भी किया। और भी मेरे साथ हैं। अच्छा, सरकार दावा कर रही है कि पर्ची खर्ची बंद कर दी, आप इलाकों में जाते होंगे सरकारी दफ्तरों में, कुछ फर्क हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी अगर इस सरकार की कोई उपलब्धि है बीजेपी की, खर्ची पर्ची बंद होने की है, क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री इसको अमल में नहीं ला सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री पे अपनी मंत्रियों का दबाव होता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने करके दिखा दिया है। यहाँ का जो मुख्यमंत्री था वो इतना ईमानदार निकला कि उसने अपने मंत्रियों की, संतरियों की किसी की परवाह नहीं की और उसने किसी की सिफारिश नहीं मानी। खुद मेरे घर से 3 बच्चे इस सरकार में लगे हैं सरकारी, मेरा बेटा GIPWD लगा है, मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर लगी है और अभी अभी मेरे पुत्र वधू टीचर लगी है TGT। तो मैं कमाल मान गया हूँ, मैं इस सरकार का क्या, जो इस क्षेत्र के हल्के के लोग हैं, मैं गांव रामसण माजरा से हूँ और मेरे गांव में 35 लड़के इन 10 सालों में सरकार के द्वारा बिना खर्ची बिना पर्ची लगा गए हैं, जो बिल्कुल असंभव को संभव कर दिया। मैं इस सरकार की उपलब्धि इससे ऊपर कुछ नहीं मानता। और लोग भी मेरे साथ हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? विकास वर्मा नाम है सर मेरा। तो लाडवा, क्योंकि अब चुनाव आने जा रहे हैं, तो क्या लाडवा की मुख्य मांग रहेगी, जो कि सरकारें आएँ तो उन चीज़ों को होनी चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए? सर देखिए, वैसे तो अगर हम देखें 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडवा में रही है। 2019 से 24 में कांग्रेस पार्टी के यहाँ से विधायक चुने गए थे, जिन्होंने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया, बशर्ते अगर हम बात करें यहाँ पे जो MP रहे हैं नायब सैनी जी, उन्होंने फिर भी यहाँ पे ग्रांटें दी और डॉक्टर पवन सैनी जी ने सरकार में ना होते हुए भी उन ग्रांटों को जितने भी आसपास के गांव थे उन सभी के सरपंचों तक पहुँचाने का काम किया है। और बहुत ही अच्छे लेवल पर अगर हम बात करें तो गाँव के अंदर सड़कों का विकास हुआ है, ठीक है, और बिना खर्ची बिना पर्ची। विकास तो निरंतर प्रक्रिया है ना, और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो एजुकेशन सिस्टम में, या आप देखें कि नौकरी के सिस्टम में ऐड होनी चाहिए चीज़ें? सर देखिए, समय अनुसार अगर हम बात करें तो चीज़ों में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस तो मैंडेटरी है ही, तो सड़कें भी धीरे धीरे अभी समय अनुसार बेहतर होती चली जाएंगी। और एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो कॉलेजेस डे बाय डे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर हरियाणा की अगर हम बात करें तो ओपन हो रहे हैं, तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें चलती रहे। यहाँ से CM खुद चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर जी। अच्छा, ये तमाम लोगों से बात भी कर रहे थे, गाँव के क्या हाल देखते हैं? सरकार कह रही है कि 24 घंटे बिजली कर दिया, हर घर नल है, यहाँ लाडवा में किस तरीके की चीज़ें? ये तो सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट कहूँगा, क्योंकि मैं 2014 से पहले जब हम स्कूल जाया करते थे या कॉलेज में होते थे, तब गांव के बच्चों से ये सुनने को मिलता था कि लाइट का दिन आएगा। दिन का मतलब वो 2 या 3 दिन के बाद डिसाइड होता था कि 8 घंटे या 2 घंटे लाइट दे देंगे। लेकिन आज ये सिचुएशन बदल चुकी है कम्प्लीटली। अगर ग्राउंड पर देखें, कहीं पर भी आप जाएंगे हरियाणा में, बिजली 20, 22, 24 घंटे आ रही है, चल रही है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, गाँव में विकास हुआ है और गांव सड़कों से भी जुड़ गए हैं। और रही हर घर नल की बात, जल की बात, तो मैं ये कहूँगा खेत की लास्ट छोर तक जल पहुँचाने का काम जो है इस सरकार ने बिना किसी चीज़ में। और सबसे छोटा छोटा कमेंट लूँगा, इस बार इनेलो ने बसपा से गठबंधन किया है, JJP ने चंद्रशेखर रावण से, तो कितना, और आम आदमी पार्टी अलग से लड़ रही है, तो यहाँ इस इलाके में देखें क्या BJP कांग्रेस आमने सामने या बाकी क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव देखते हैं? बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को हमारे सामने BJP के सामने कोई प्रभाव नहीं। कांग्रेस कंपटीशन, हाँ जी। आम आदमी पार्टी, अब तो केजरीवाल भी बाहर आ गए, वो तो कह रहे कि प्रचार में आएंगे। भाई साहब, ये तो आपको भी पता है, आप तो वैसे ही पत्रकार हैं, कि BJP इसमें आप में और कांग्रेस के गठबंधन वैसे भी खराब चल रहा है। आप कैसे देखते हैं गठबंधनों, बसपा का भी है, इनेलो का भी है, JJP पुराने BJP के पुराने साथी रहे हैं वो? बिल्कुल देखिए, बाकी सभी पार्टियों ने, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं और सरकार बनाने में कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत महसूस हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अकेला लड़ने में सक्षम है और अकेला लड़कर ही वो जो है सरकार बनाएगी और तीसरी बार सरकार। गठबंधन जो हुए हैं क्षेत्रीय पार्टियों के, वो चलेंगे यहाँ BJP कांग्रेस की लड़ाई देख रहे हैं?
अच्छा जी, बीजेपी के सामने कोई भी चलने वाला नहीं है इस टाइम, क्योंकि लोकल कांग्रेस के जीते थे ना। नहीं नहीं, बीजेपी एक ईमानदार पार्टी है। मनोहर लाल जी ने मिसाल कायम कर दी इतनी ईमानदारी से। मैं आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप मुझे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बीजेपी के जितने भी सांसद और बीजेपी के जितने विधायक थे और आज हैं, उनमें से किसी एक का भी बच्चा मुझे ये बता दे, कोई इंस्पेक्टर लगा है, कोई SDM लगा है, कोई तहसीलदार लगा है, कोई इतिहास में आप एक का भी नाम कह रही है। फिर मनोहर लाल को हटा क्यों दिया? मनोहर लाल को हटाया नहीं, वो केंद्र में चले गए, सेंटर में मंत्री हैं, कौन कहता हटा दिया? ये तो बहुत जो कह रहा है हटा दिया, वो बहुत बेकार बात है। ये हटाया नहीं है, वो केंद्र में चले गए हैं। अच्छा, आप गठबंधनों की राजनीति कैसे देख रहे हैं? गठबंधन की राजनीति यहाँ विधानसभा लाडवा में नहीं चलेगी। वैसे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, लेकिन मुख्यमंत्री के आने से जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके आगे कांग्रेस का वो जो उम्मीदवार है वो भी अपने आप को ऐसा ऐसा महसूस करने लगा। वक्त बताएगा अभी, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से मैदान में हैं और कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक थे वही यहाँ पर मैदान में है। देखना होगा जनता अब किसके जीत पर सिर पर जीत का सहरा लगाती है। 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे और CM की साख भी इस इलाके से बनी हुई है। लाडवा से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़।